अस्सलाम वालेकुम इजी बेबी, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि फीडर बॉटल्स कैसे धोते हैं, उनके साथ दूध में जो मलाई होती है वो चिपक जाती है, अच्छे नहीं होते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं स्टेप बाय स्टेप कि मैं अपनी फीडर अपने बच्चों के कैसे धोती हूँ ताकि उस पर कोई मलाई ना हो। सबसे पहले मैं फीडर को जो भी दूध होता है उसको गिरा देती हूँ, जैसे इसमें अगर दूध पड़ा है सबसे पहले उसको मैंने एम्प्टी किया, फिर इसको प्लेन जो वाटर होता है पानी उससे साफ किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, फीडर्स के लिए ये वाली फेरी होती है, ग्रीन कलर की फेरी होती है, क्योंकि इसमें ये 2x होता है, इसमें डबल होती है, क्योंकि जो दूध होता है उसमें एक चीज़ होती है स्टिकी पानसा, वो चिपका रहता है जैसे मलाई सी होती है, वो अंदर से साफ नहीं होता अगर आप दूसरी येलो वाले फेरी से साफ करेंगे। तो दूध के फीडर्स के लिए देखिए, इस पर बेबी भी बना हुआ है, फीडर्स के लिए ये डबल वाली होती है, ग्रीन फेरी का इस्तेमाल करें। इसका जस्ट 1 ड्रॉप आपने डालना है, उसके बाद फीडर में थोड़ा सा पानी डालें, ये बड़ा ब्रश है, इसको आप फीडर में डालेंगे लाइक दिस, ओके, प्रॉपर तरीके से करते जाएंगे। उसके बाद ये छोटा ब्रश है, अब ये ब्रश मैंने क्यों रखा है, जब आप नया ब्रश लेते हैं उसके साथ ये दोनों पीसेस इकट्ठे आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो ब्रश होता है ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, छोटा ब्रश, और ये वाला काफ़ी अरसे तक चलता है, तो 2 से 3 महीने के बाद आप ये ब्रशेस चेंज कर लें। तो मैंने आपको बताना था कि इस ब्रश को आप देखें, इसको आपने चेंज करना है, ठीक है, आपने इसको यूज़ नहीं करना, जस्ट थ्रो इट अवे, ठीक है। ये आपने बड़े के लिए किया एंड देन यू विल बी गोइंग फॉर दिस, इसके लिए आपने छोटा ब्रश का यूज़ करना है। अब मैंने कोई पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहती थी जो मुझे भी नहीं पता था, या ये वाला एरिया निप्पल को उतारें, अक्सर औकात यहाँ पर दूध जमा हुआ होता है, ठीक है, आपने इसको भी इस छोटे ब्रश की मदद से, जो नया ब्रश हो आपका, उससे साफ करना है प्रॉपरली, ओके। और फिर आपने देखिए लाइक दिस, इसको इसके अंदर डाला, इसमें फेरी डाली, इसको अच्छे से साफ़ किया, इसके एजेस को यूँ साफ किया विद द न्यू ब्रश, डेफिनेटली ये ख़राब है, मैंने न्यू मंगवाया हुआ है। और फिर ये जो इसकी कैप है इसको आपने अच्छे से साफ़ करना है ताकि यहाँ कोई भी दूध जमा ना हो। जब लगाएंगी आप फिर इसको पानी से वॉश करके, मेक श्योर कि आपका ये निप्पल प्रॉपरली ये देखें फिक्स होना चाहिए, ये देखें अब आपको नज़र आ रहा है, अब जब दूध डालेंगे यहाँ से निकल जाएगा, वो निकलता रहेगा ये पूरा राउंड, ओके। ये यहाँ पे आपने इसको पानी से वॉश कर दिया, बहुत बेहतर है कि आप इस वॉश के बाद एक दफ़ा गर्म पानी इसमें डालें और फिर वॉश करें। मैं क्या करती हूँ, सारे के सारे जैसे ही दूध ख़राब मेरा बेटा पीते फारिग होता है साथ ही धो देती हूँ, मैं रखती नहीं क्योंकि दूध की स्मेल आ जाती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, आपने भी यूँ ही करना है, फ़ौरन फेरी से धो लिए। लेकिन हम जो स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस है, जो स्टेरलाइज करते हैं, वो मैं इकट्ठे करती हूँ, वो मैं दिन में एक दफ़ा करती हूँ या दिन में 2 दफ़ा करती हूँ, डिपेंडिंग के कितनी क्वांटिटी यूज़ है। मेरे पास 5 फीडर्स हैं जिनमें से 2 शील्ड के हैं, 3 मेरे जो हैं वो एवेंट के हैं, पहले सारे एवेंट के थे बट फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि एवेंट काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, आप सबको पता है, उस पर भी हम एक वीडियो बिताएंगे, तो आई बॉट इट। जैसे ही मैंने ये ख़रीदा था उसके साथ एक और चीज़ मैंने ख़रीदी, दैट वाज स्टेरलाइज़र, एनेक्स का स्टेरलाइज़र, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर 2 मल्टीफंक्शन है, 2-in-1 है ये, ठीक है, स्टेरलाइज़र है एंड स्टीमर है। ये मैंने ख़रीदा था इम्तियाज़ वालों से, जो गुजरांवाला की ब्रांच है, इसके साथ आपको मिलेगा ये गारंटी कार्ड। अब मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ लोगों को, जब भी आप कहीं से चीज़ ख़रीदें मेक श्योर कि आप उसकी स्टैंप ले लें, ये जहाँ से मैंने ख़रीदा मैंने साथ ही उनसे उसकी स्टैंप और डेट ले ली। आप दुबई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, दुनिया के जिस भी कोने में चली जाएं, हैदराबाद, कराची, पाकिस्तान, दुबई, सऊदीया, साउथ, जहाँ भी एनेक्स की आउटलेट होगी
वहाँ पे आपको इसकी गारंटी क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कभी भी ज़िंदगी में ना पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या होगा, आपकी कब ट्रांसफ़र होगी, आपके लाइफ में क्या लिखा हुआ है। तो हमेशा अक्सर लोग ना रसीद साथ दे देते हैं, जी यही हमारी गारंटी है। नहीं, आपने उनसे इधर स्टैंप लेना है, उनको कहें मुझे स्टैंप लगे। आप ये देख सकते हैं इस पर डेट लिखी हुई है, ठीक है, और नाम लिखा हुआ है, तो दैट्स इट। सीरियल नंबर लिखा हुआ, मैं जहाँ पे भी जाऊँगी वो इसको क्लेम करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा रहा है। टॉमी टिप्पू के भी मैंने देखे, सबके देखे, बट मैंने सोचा कि जब कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसको अच्छे ब्रांड की ख़रीदें तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी चलते हैं। अब आप देख सकते होंगे यहाँ पे टू हैं, वन एंड टू, एक है स्टेलाइजर, एक है स्टीम कुजीन। अब मैं इसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है छोटा, ये माइक्रोवेव में चलता है। आप माइक्रोवेव में पानी डाल के इसको रखें और आप फीडर्स रखें, ये स्टीम कर देगा, ठीक है, ये भी साफ़ कर देता है। और ये है बड़ा, जो कि आप वहाँ पे पड़ा हुआ देख भी सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं और मेरी भाभी भी बोथ वर इकट्ठे ही, हमारा एक महीने के फ़र्क से हुआ, मैंने ये जो छोटा वाला पीस है अपनी भाभी को दे दिया। उसको एक्चुअली मैंने चॉइस थी, उसने ये वाला ले लिया और मैंने ये बड़ा ले लिया। मुझे माइक्रोवेव का इतना शौक़ नहीं था, बट मैंने इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक वाला किया, उसने भी वही चूज़ किया, तो लकीली ये हो गया। अब आपने जब ख़रीदना है, आप जहाँ से भी ख़रीदें आपकी अपनी चॉइस है। एक साल हो गया है, डेढ़ साल हो गया, डेफ़िनेटली इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई होगी, मेरे ख्याल है 4,000-5,000 हो गई होगी। आपको देखना पड़ेगा जो आपको बेहतर लगता है वो यूज़ करें। मैं एनेक्स को यूज़ कर रही हूँ। ये ऐसी चीज़ है, आपने एक दफ़ा ख़रीदी आप 10 बच्चों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-4 आपके अपने, 3-4 बहन भाइयों के, समथिंग इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, एक ने ख़रीद दिया, समझे सबके लिए हो गया, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो शेयरेबल नहीं है, जिससे कोई जर्म्स वर्म चाहेंगे। तो आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर पिक्चर दिखा दी मैंने। अब मैं आपको इसको यूज़ करना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने सारे वीडियो ना आप लोगों के लिए रखे हुए थे, वरना मैं रात को या सुबह को करती हूँ, बट आज सारे सुबह नहीं किया कि सारे वीडियो जो है ना इकट्ठे ही करेंगे। सो, इसके साथ आता है ये एक अदद कप। अब इस कप के ऊपर ना बहुत ही लाइट कलर, आई डोंट नो आप लोगों को नज़र भी आता है कि नहीं, येलो कलर के मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। ये है जी 80 ml वाटर, ठीक है, 80 ml वाटर, यानी ये मेजरिंग कप है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इफ़ आई मूव ऑन दिस, ये देखें, इसके ऊपर भी टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, क्योंकि अब ये डेढ़ साल हो गया, थोड़ा थोड़ा कम हो गया। इस पर लिखा हुआ है जी कि आप 280 ml डालेंगे तो ये 10 मिनट तक चलेगा, ठीक है, और 200 ml डालेंगे तो 30 मिनट्स तक, और कितना कितना आप बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से मेजरमेंट्स एंड टाइम लिखा हुआ है। बट मैं 10 मिनट तक, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टेरलाइज हो जाता है, मैंने कोई पकाना तो नहीं है ना, ठीक है, और सारे जर्म्स मर जाते हैं, तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद इट। सबसे पहले मैं पीछे से इलेक्ट्रिक बटन ऑन करेंगे। अब आप देखें, क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं है, इस वजह से इसकी रेड स्लॉट बंद है, रेड जो इसकी स्लॉट है वो क्लोज्ड है। जब हम इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए, इस तरह मैंने ये डाल दिया, आई विल गो विद इट, ठीक है। अब इस पर ये वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसकी मैंने इसको खोला, मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहूँगी, जस्ट अ सेकंड।